वेलकम टू स्टडी हाई, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदू वोकैब सीरीज़, और इसमें हम लेके आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए वोकैबलरी। इकोनॉमिक टाइम से हम वोकैबलरी आपके लिए लेके आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी आपको हमारी वीडियोस की टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो सबसे पहला वर्ड है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? कंपेल और फोर्स समवन टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, या मतलब कहते हैं बाधित करना। देखिए, किसी को मजबूर करना, जो वो काम कर रहा है उसमें रुकावट पैदा करके किसी और काम के लिए मजबूर करना, ठीक है? तो इसको बाधित भी कहा जा सकता है, या किसी को मजबूर करना कुछ और करने के लिए, ठीक है? तो इसके सिनोनिम्स हैं रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, कर्ब, चेक और रिस्ट्रेन। इसमें रिस्ट्रेन इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? चिल्ड्रंस आर कंस्ट्रेंड टू वर्क इन द वे द बुक डिक्टेज। देखिए, चिल्ड्रंस क्या होते हैं? बाधित किए जाते हैं बुक्स के द्वारा, कि एक ही डायरेक्शन में उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है? कंपेल किया जाता है, ठीक है? तो इसको आप समझ सकते हैं, कंस्ट्रेन का मतलब होता है मजबूर करना या बाधित करना। जो काम वो पहले से कर रहे हैं उसमें बाधा करके उन्हें मजबूर करना कि वो दूसरा काम करें, ठीक है? तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन को क्या किया गया, इसकी ये बाजू अपने चला नहीं सकता, ठीक है? अपने हाथ को घुमा नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसे क्या किया गया है? बाधित किया गया है। और इसे मजबूर क्या किया गया? रस्सी से बांध कर इसे मजबूर किया गया है, ठीक है? तो आप दोनों मतलब समझ गए होंगे कंस्ट्रेन के। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सपेंड, एनकरेज एंड अनरिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एनकरेज को ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है फिस्कल। फिस्कल एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू स्पेशली टैक्सेस। इसका मतलब अगर आप समझें तो सिंपल राजकोषीय, जो मतलब सरकार का या पूरे जो गवर्नमेंट है उसका मतलब पूरा कितना उनके पास अमाउंट है, मनी है, ठीक है? उसको कहा जा सकता है फिस्कल। जैसे आपने पढ़ा होगा फिस्कल डेफिशिएंट, मतलब वित्तीय घाटा कितना हुआ सरकार का। देखिए, फिस्कल वर्ड जो होता है इंपॉर्टेंट है। फिस्कल वर्ड आप बहुत जगह पढ़ते हो। फिस्कल का मतलब रिलेटिंग टू गवर्नमेंट होता है, और मॉनेटरी जो वर्ड होता है वो भी मनी रिलेटेड है, लेकिन वो बैंक्स के साथ जोड़ा जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क समझिए, ठीक है? फिस्कल क्या होता है और मॉनेटरी क्या होता है। इसके सिनोनिम्स हैं फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, मनी एंड पेक्यूनरी। और इम्पॉर्टेंट इसमें सिनोनिम पेक्यूनरी है, ये बहुत बार आप देखेंगे, आपको आने वाले टाइम में ज़रूर दिखेगा वर्ड, ठीक है? आपको एग्जाम्स में दिखेगा। अगला, इसके यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? इसको एंटोनिम्स क्या है? नॉन फाइनेंशियल, नॉन टैक्सेबल या एक्सटेम्प्ट, मतलब छूट देना। ओके, तो आप अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है सॉइल्ड। सॉइल्ड एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है ब्रिंग डिसक्रेडिट टू और टार्निश करना, मतलब जिसको समझा जा सकता है मटमैला, मतलब जो क्या हो मैला हो। जैसे कि आप इस नोट को देख सकते हैं, जिसमें यहाँ से फटा भी हुआ है, मतलब और ऐसे मिट्टी या मटमैला मैला सा लग रहा है, देखिए काफ़ी ख़राब नोट लग रहा है, तो इसको कहा जाता है सॉइल्ड। देखिए, ये हमने जो वर्ड्स लिए हैं ये इकोनॉमिक टाइम से लिए हैं, क्योंकि देखिए आजकल सॉइल्ड नोट्स के बारे में चला है कि RBI उन्हें वापस ले रही है, ठीक है? तो उसके ऊपर गाइडलाइंस उन्होंने निकाली हैं, तो वहाँ से वर्ड लिया गया है सॉइल्ड। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेन, ब्लैकिन, टार्निश, टेंट और बेस्मरिक। बेस्मरिक इंपॉर्टेंट है, टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला वर्ड इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज़ बींग सॉइल्ड बाय अ सिनिस्टर एलिमेंट, ठीक है? जो कंपनी की रेपुटेशन थी उसको क्या किया गया, कुछ ऐसे डिफॉल्टर थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, मटमैला किया है, ख़राब किया है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? इसके एंटोनिम्स हैं क्लीन, नीट एंड ब्राइट। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एक नाउन है, और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट, मतलब सरल भाषा में कहा मतलब दिवालापन, मतलब पूरी तरह मनी ख़त्म हो जाना, ठीक है? एकदम से अकाउंट में कुछ भी नहीं रहना, इंसॉल्वेंसी, ठीक है? इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसके सिनोनिम्स हैं बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, फेलियर, कोलैप्स और रियून। लिक्विडेशन को याद रखिएगा और बैंक्रप्सी को जरूर याद रखिएगा, ठीक है? इसके यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? द क्लब वॉज फेसिंग इंसॉल्वेंसी। ओके, जो क्लब था, जो भी एक क्लब चला रहा था, उसे क्या था, कमी थी बहुत ज़्यादा पैसे की, मतलब वो दिवालीपन से गुजर रहा था। इसको यूज़ कैसे करते हैं सिनोनिम्स? इसके एंटोनिम्स क्या हैं? अबंडेंस, कैपिटल एंड ऑपुलेंस। ऑपुलेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगला वर्ड आता है हमारे पास स्टडेड। स्टडीड एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है हैविंग वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड मसल्स और मस्कुलर, मतलब
एक तरह से कटीला भी कह सकते हैं, कटा हुआ, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं इसकी बॉडी में कैसे कट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये एक तरह से श्रेडेड होता है। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं रैग, आयोटा एंड विट, और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, टीयर्स और कट इंटू श्रेड्स, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। इसके एंटोनिम्स हैं वैड, पैक, रेफ्ट एंड ओवरफ्लो, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ट्रेवेस्ट्री। ट्रेवेस्ट्री एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ऐसा दिखाना जो क्या हो, मतलब जिसके ऊपर कुछ और बनाकर कुछ दिखा देना, मतलब नकली कह सकते हैं आप, ठीक है, जो झूठा सा हो सकता है, ठीक है, फॉल्स सा, ठीक है। जैसे सॉरी ये इमेज गलत लगी है, जैसे आप इसमें समझ लीजिए, जैसे कि इस इमेज को मैं यहाँ पर ताजमहल दिखा दूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं इस इमेज पे यहाँ पे कुछ और बना दूँ, जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए कि मैं कुछ लेके फ्लैग लगा दूँ, मतलब असल में यहाँ फ्लैग नहीं है, मैं ऊपर से ही चीज़ों को लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ और शो कर दूँ, तो इसको कहा जाता है फॉल्स, मतलब नकली, एब्सर्ड करना, ठीक है, ख़राब करना, ठीक है, ऐसी चीज़ दिखाना जो क्या हो, नकली लगे, असली ना हो। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टॉर्शन, परवर्जन, करप्शन या पुअर इमिटेशन। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं द अब्सर्डली लीनियंट सेंटेंस इज़ अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, तो आप मतलब समझ गए होंगे। देखिए, और इसके एंटोनिम्स आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जाके ट्रेवेस्टी का एंटोनिम्स बताइएगा कि क्या होते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लिक्विडेट। लिक्विडेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है वाइंड अप अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस बाय असर्टिंग लाइबिलिटीज एंड अपॉइंटिंग एजेस, मतलब कर्ज चुकाना। देखिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा कई सारी दुकानों में, जैसे यहाँ पे स्टोर लिखा है, स्टोर क्लोज, ठीक है, या फिर उसको वो सब कुछ बेच के वो जा चुका होता है, या कई बार कुछ दुकानदार अपने पूरे सामान की सेल कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें जो भी उन्होंने कर्ज लिया है अपने बिजनेस के लिए वो चुकाना होता है, तो उसको कहा जाता है लिक्विडेट करना, ठीक है, अपनी चीज़ों को सस्ती करके बेच के अपना कर्ज चुकाना है, लिक्विडेट करना। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डिजॉल्व, ब्रेकअप, डिसबैंड और टर्मिनेट। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इफ़ द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड देयर वुड बी इनफ फंड रिलीज टू ऑनर द डेब्ट्स। देखिए, अगर कंपनी की लिक्विडेशन की जाएगी तो उनके पास फंड्स आएंगे। देखिए, जैसे अभी सरकार ने अपनी लिक्विडेशन कर रही है काफ़ी सारे बैंक्स की, ठीक है, अपना स्टेक घटा के 51 से, जैसे 60 to 70% जहाँ पे स्टेक है वहाँ से घटा के 51 कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, लिक्विडेट, मतलब अपने शेयर्स को बेच के वो पैसे ले कमा रहे हैं, मतलब अपना जो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए, बट कुछ बेच के आप पैसे कमा रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे, मतलब कर्ज चुका रहे हैं, वो पैसा कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या पैसा किसी भी पर्पस के लिए किया जाए, उसे लिक्विडेट करते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हैं ओइंग, मैच्योर एंड जेल्ड, इंपॉर्टेंट है, जेल्ड को जरूर याद रखिएगा एंटोनिम्स, ठीक है। तो अगला वर्ड आता है हमारे पास रॉबस्ट। रॉबस्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी और विग्रस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठोस या फिर कहा जा सकता है मजबूत, ठीक है, जैसे आप इमेज में देखते हैं, जैसे एकदम रफ एंड टफ, हाँ रफ एंड टफ भी कहा जा सकता है, जैसे पर्सन एकदम रफ एंड टफ लग रहे हैं। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रैपिंग, ब्रॉनी, ब्रूली एंड हस्की, इसमें सारे ही सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, द कैपलिन फैमिली आर रॉबस्ट अलॉट, तो आप मतलब समझ गए होंगे। इसके एंटोनिम्स हैं वीक, फ्रेल एंड फ्रिजाइल, मतलब बहुत ही कमज़ोर, फ्रिजाइल का मतलब होता है जो आसानी से बहुत ही सॉफ्ट हो, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हो जो आसानी से टूट सकता हो, कमज़ोर, वीक आ गया, ठीक है, फ्रेल, फ्रेल और फ्रेजाइल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है एमिकेबल, ठीक है। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है करेक्टराइज बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो, ठीक है, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाता है आसानी से, जैसे मित्रतापूर्ण, उसको कहा जाता है एमिकेबल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं सिविल, कोर्टियस, पोलाइट, ईजी एंड ईजी गोइंग। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से सेटलमेंट कर ली गई डिस्प्यूट्स की, जो भी उनके बीच में मतभेद था उसे बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। और इसको यूज़ कैसे करना, इसके एंटोनिम्स क्या हैं, सॉरी एंटोनिम्स हैं अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टाइल को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। सो आज इस सीरीज़ में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो हमने IBPS की भी सीरीज़ लॉन्च की है,
हमारी फॉर एवर सीरीज़ उसको देखिएगा, और SSC CGL के भी सिमिलर सीरीज़ हम लेके आए हैं, तो रीजनिंग मैथ्स की भी सीरीज़ हम दे रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो का PDF भी अवेलेबल है, आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। सो आपको आज इतना ही, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।